बीजेपी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच एक खाई पैदा हो गई है और चारों तरफ से जो संकेत और संदेश आ रहे हैं वो पार्टी को चिंता में डालने वाले हैं। साथ ही जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है उसमें बड़प्पन की कमी है। ये कहना है कटनी से बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिराज किशोर पोद्दार का। गिरिराज किशोर पोद्दार ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में रेल सुविधाओं में इजाफा करने ललितपुर सिंगरौली सतना पन्ना रेल लाइन का काम जल्द से जल्द पूरा करने के साथ ही कटनी बवई गुन्नौर अमानगंज पन्ना तक नई रेल लाइन बिछाने की मांग की। गौरतलब है कि गिरिराज किशोर पोद्दार भारत तिब्बत मंच के मध्य भारत क्षेत्रीय प्रचारक हैं जो कैलाश मानसरोवर को चीन के कब्जे से छुड़ाने के लिए लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं। दौर चल रहा है, असंतुष्ट ज्यादा नजर आ रहे हैं, लगातार डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी जुटी हुई। आप भी भाजपा के पूर्व विधायक हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो जब भी किसी भी स्तर पर मुझे अपना विषय रखने का मौका मिलता है तो मैं बड़ी बेबाकी से बोलता हूँ कि हमारी कार्यशैली में हमें क्रियात्मक दोष आ गया है। किसी विषय को बड़ी गंभीरता से ना लेके सतही तौर पर जो निपटाने की एक मानसिकता बन गई है उसने बहुत बड़ी धीरे धीरे एक बड़ी खाई पैदा कर दी है। तो उसी वजह से ये जितनी आज अव्यवस्था दिख रही है वो उसी का परिणाम है। तो पार्टी को कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा क्या? थोड़ा जोर से बोलिए, इससे पार्टी की स्थिति कैसी, क्या देखते हैं आप? देखिए, नुकसान तो आज चारों तरफ से जो संकेत और संदेश आ रहे हैं वो कहीं से उत्साह बढ़ाने वाले नहीं आ रहे, चिंता में डालने वाले ही आ रहे हैं। तो उसके लिए प्रयास भी सभी स्तर पर किए भी जा रहे हैं, पर उसमें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं न्यूनता के हिसाब से ही किए जा रहे हैं, कोई बहुत बड़प्पन रखते हुए ऐसे प्रयास नहीं हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से अभी माहौल ठहरा हुआ समझ में आ रहा। आप एक खजुराहो लोकसभा मंच भी चलाते हैं, क्या उसका विषय है? आप लगातार मांग कर रहे हैं कि जो रेल सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हो आप खजुराहो लोकसभा से। देखिए, मैं तो कटनी जिले में और कटनी जिले के आसपास पिछले 2500 वर्षों से समाज सेवा के काम में, जनता की सेवा के काम में लगा हुआ हूँ। जनहित के, लोकहित के, क्षेत्र हित के मुद्दों को लगातार मुखरता से मैं रखता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि कटनी भले ही रेलवे का एक बड़ा केंद्र है पर आने वाले समय की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो निश्चित रूप से कटनी में अभी विकास की बहुत आवश्यकता है। तो ये तो बात होती है कटनी की। कटनी खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो जब आठों विधानसभा की चिंता करते हैं तो सहज ही ये समझ में आता है कि एक ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण का काम कछुआ चाल से चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है, बीरबल की खिचड़ी हो रखा है। वो काम अगर समय से पूरा हो जाता तो खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की कम से कम 2 से 3 विधानसभा क्षेत्र उससे प्रत्यक्ष लाभान्वित होते। ऐसे ही सतना से पन्ना रेल लाइन का काम चल रहा है, 50 किलोमीटर की रेल लाइन है, कछुआ चाल से काम चल रहा है, बीरबल की खिचड़ी ये काम भी हो रखा है। तो क्षेत्र की जनता ये देख रही है कि आखिर इतनी देर होने की वजह क्या है। अब एक स्थायी मुद्दा है, पन्ना जिला में 1 किलोमीटर की भी रेल लाइन नहीं है। पन्ना जिला 3 विधानसभा है, पवई गुन्नौर और पन्ना, 1 किलोमीटर की भी रेल लाइन नहीं है। क्षेत्र के लोगों की लगातार मांग है कि कटनी से लेके पन्ना, पवई होके गुन्नौर होके अमानगंज होकर के पन्ना तक रेल लाइन का निर्माण हो। अच्छी बात है, अभी इतने रेल के काम चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, देश के किसी भी हिस्से में आप जाओ बड़े बड़े रेल के निर्माण कार्य हो रहे हैं, इतनी सकारात्मक टीम है, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। परंतु क्षेत्र की जनता यहीं पर आकर के विचार करने के लिए मजबूर हो रही है कि जहां सिंगल लाइन है वहां डबल डाली जा रही है, जहां डबल लाइन है वहां ट्रिपल लाइन डाली जा रही है, कई जगह तो 3 की जगह 4थी लाइन भी डाली जा रही है।
तो फिर हमारे क्षेत्र में सिंगल लाइन भी क्यों? अब वो थोड़ा सा पन्ना पहाड़ी क्षेत्र है, तो अगर ये कहा जाए कि भाई ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो लेह लद्दाख में जाकर के इतनी बड़ी अटल टनल बन गई। हमारी सरकार ने अभी अभी बताया कुछ समय पहले कि कुतुब मीनार से ऊंचे खड़े पिलर खड़े करके और जम्मू कश्मीर के बीच में रेल लाइन का निर्माण कर दिया गया। अभी कुछ ही दिन पहले का समाचार था कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कई किलोमीटर लंबा पुल बना दिया गया। तो फिर कटनी से पन्ना तक की रेल लाइन ना डलने की वजह का कारण केवल एक ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस विषय पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अभी इसी अभी वर्तमान में आपकी भूमिका जो है किस संदर्भ में भारत तिब्बत मंच से आप संबंध रखते? देखिए, मैं तो मूलतः सनातन धर्मी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पोषक और जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता हूँ। सकारात्मक काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो राजनीतिक क्षेत्र भी है, सामाजिक क्षेत्र भी है, धार्मिक क्षेत्र भी है। तो भारत तिब्बत सहयोग मंच संगठन में मैं मध्य क्षेत्र संयोजक के नाते कार्य कर रहा हूँ। मतलब हमारा पुराना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिला के उसका संयोजक का दायित्व है। और सबसे सकारात्मक बात यह है कि पूरी तरह से राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के ये संगठन काम कर रहा है। तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया और इसकी वजह से हमें प्रत्यक्ष चुनौती खड़ी हो गई। पहले तिब्बत बीच में था तो चीन की और हमारे भारत की सीमाएं नहीं मिलती थी, पर चीन को पश्चिम की ओर बढ़ने के लिए, मध्य एशिया में जाने के लिए रास्ते की जरूरत थी। इसलिए उसने साम दाम दंड भेद चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। अब उस समय जो हमारा नेतृत्व था, उस समय हमारे नेतृत्व की दूरगामी सोच नहीं थी। हमारे उस समय के नेतृत्व का तो ये कहना था कि वहां तो घास भी नहीं उगती, तो उन्होंने उसको कब्जा होने दिया। एक तो विषय भारत तिब्बत सहयोग मंच का यह है कि तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा। दूसरा, तिब्बत पर कब्जा होने से हमारे देवाधिदेव महादेव भगवान का धाम कैलाश मानसरोवर भी चीन के कब्जे में है। बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि कैलाश मानसरोवर अभी चीन के कब्जे में है। तो हमारी सनातन आस्था का विषय है कि बाबा भोलेनाथ का धाम चीन के कब्जे से मुक्त, और इसी के लिए ये संगठन लगातार पिछले 25 वर्षों से लगातार सक्रिय है। और मेरे भी प्रिय विषय है, दोनों ही प्रिय विषय हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय है और हमारी सनातन आस्था का भी विषय है। इसलिए भारत तिब्बत सहयोग मंच में काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ठीक मैदानी काम में उसका भी लगातार कर रहा हूँ। ठीक है।